हमारे साथ इस्लामपुर से एडवोकेट नाजिम साहब मौजूद हैं और कांग्रेस पार्टी से ताल्लुक रखते हैं। सर क्या कहेंगे मौजूदा जो सियासी हालात है पूरे पश्चिम बंगाल में और ख़ासकर आपके क्षेत्र में कैसा माहौल है सियासत को लेकर? सबसे पहले तो आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद जी। और इस चैनल में जो जो अभी जुड़े हुए हैं, जो जो देख रहे हैं, सबको सलाम और नमस्कार। अभी जो हम लोग का पश्चिम बंगाल में माहौल है टीएमसी सरकार आने के बाद, टीएमसी सरकार यानी कि 2011 के बाद टीएमसी सरकार यहाँ लागू हुआ है, उसके बाद से एडुकेशन ख़त्म, नौकरी ख़त्म और जितना भी गरीबों का हक होता है वो हक सब ख़त्म हो चुका है। तो आप तो पता ही है, पूरे माहौल में आपको पता है, गरीबों से सुने हैं जो क्या क्या माहौल है। एक आदमी का अगर घर पास होता है तो उसमें पास होने के लिए उस आदमी को कुछ ना कुछ देना पड़ता है, उसके बाद उसका घर पास होता है। अभी हम लोग का सियासी माहौल पश्चिम बंगाल में ऐसा है, और ख़ास करके आप देखिए इस्लामपुर में, इस्लामपुर का लोग जो इतना अभी नीचे है, इसका सबसे बड़ा कारण जो है ये टीएमसी वाला सरकार, अभी का रनिंग सरकार जो है हम लोग को दबा के रखा है। यहाँ पे आदमी को उठने नहीं दे रहा है, उन लोगों का जो आवाज़ है वो आवाज़ ठीक जगह तक पहुँचने नहीं दे रहा है। यहाँ का जो लीडरशिप है, ये लीडरशिप इस अवाम की, इस गरीबों की बातों को छुपा देता है। सर जिस तरीके से अभी आप कह रहे हैं कि साल 2011 के बाद टीएमसी सरकार आने के बाद जो है आवाम की आवाज़ों को जो है दबाया जा रहा है, सर क्या लगता है कि आपके ही पार्टी जो है लोकसभा चुनाव में ममता बनर्जी के साथ अलायंस करती है, तो क्या लगता है कि ये सब जो आप कह रहे हैं कितने हद तक इनमें सच्चाई है? देखिए सबसे बड़ी बात क्या है, अलायंस के बाद जो आप बोले, ये जो है वो ऊपर का माहौल है। ऊपर माहौल ये बताया था, जो जब से सबसे बड़ी ये है, जो सेंट्रल सरकार बीजेपी की सरकार जो बैठा हुआ है वो होता है सबसे ख़तरनाक। वो क्या करता है, जो वो आने के बाद हिंदू मुसलमान वाला बातें आ गया है, वो आने के बाद बहुत सारा ऐसा बात आ गया है कि आपस के भाई भाई में भाईचारा जो है वो ख़त्म हो चुका है। यहाँ के गांव गांव में अभी जो बलात्कार की बात चलता है वो आम हो चुका है। इसी कारण से हम लोग का जो सरकार है, कांग्रेस का जो सरकार है, सोचा था कि किसी भी हाल से बीजेपी को हटाने के लिए ममता बनर्जी से अलायंस करने के बाद था। मगर जो अभी हुआ है, हम लोग का जो प्रेजेंट, जो पास्ट हम लोग का स्टेट प्रेसिडेंट अधीर रंजन चौधरी था, वो अलायंस में किसी भी तरह से वो राज़ी नहीं हुआ था, इसीलिए हम लोग अलायंस में आए नहीं थे। और अभी जो है इंशाल्लाह कि अगला वाला जो MLA इलेक्शन होगा तो इस्लाम मैंने पूरे पश्चिम बंगाल में हम लोग का कांग्रेस की सरकार अच्छी रिजल्ट से हम लोग अपना ताकत दिखा सकते हैं। सर क्या लगता है आपकी पार्टी और ख़ास करके आपने खुद जो है करीब 1-1.5 साल पहले इस्लामपुर से पद यात्रा करके रायगंज DM ऑफिस तक पहुँचे थे डिस्ट्रिक्ट की मांग को लेकर, कितने हद तक इसमें सच्चाई और कैसा असर देखने को मिला है उसके बाद से, और क्या डिस्ट्रिक्ट इस्लामपुर डिस्ट्रिक्ट बनना चाहिए? सबसे पहली बात तो डिस्ट्रिक्ट के बाद जो है हम लोग के यहाँ के जो बरसन विधायक है अब्दुल करीम चौधरी, जो 55 साल का MLA है, उसने बातें रखी थी ममता बनर्जी के सामने। तो ममता बनर्जी ने बोला था कि इस्लामपुर एक छोटा सा शहर है, उस शहर में क्या डिस्ट्रिक्ट बनाया जा सकता है। तो लास्ट में उसका फिर उसका मजाक भी उड़ाया था कि एक तो घर में उसका, यानी कि चौधरी साहब के घर में डिस्ट्रिक्ट बना दिया जाए, ऐसा करके उसको दबाया दिया गया था। और चौधरी साहब जो है आम गरीबों के लिए बात किया था, क्योंकि इस्लामपुर से रायगंज, यानी कि हम लोग का सोनापुर से लेकर रायगंज कम से कम एक दिन में जाने में और आने में एक दिन नहीं लगेगा, 2 दिन लगता है। तो एक गरीब आदमी यहाँ से जाकर निकलेगा बस से, बस वाला रास्ता भीड़, बस वाला जाम से जाने के बाद पहुँचते पहुँचते ऑफिस का काम ख़त्म और आते आते घर का टाइम ख़त्म। तो इसीलिए हम लोग का मांग है, जो इस्लामपुर में अगर डिस्ट्रिक्ट होता है तो इस्लामपुर का जो आम जनता है, इस्लामपुर का गरीबों का जो है उसका बहुत ही जो है फायदा होगा। और जो है इस्लामपुर में हर एक तरह का समस्या जो है हम लोग को जानना पड़ता है, यहाँ से लेकर रायगंज DM तक, यहाँ से जाते जाते हम लोग का समस्या ख़त्म हो जाता है, हमारा समस्या हम लोग का जाकर पहुँचता नहीं है। इसीलिए हम लोग का मांग है जो इस्लामपुर में डिस्ट्रिक्ट होना चाहिए, क्योंकि इस्लामपुर का लोग अभी तक आज़ाद नहीं हुआ है। 1947 15 अगस्त के बाद जो हम लोग का देश आज़ाद हुआ था, और इस्लामपुर अभी तक वैसे आज़ादी में आया नहीं है। क्यों ऐसा लगता है कि 1947 के बाद से भी आज तक इस्लामपुर के लोग जो हैं, आम जनता जो है, वो आज़ादी नहीं मिली, ऐसा क्यों लगता है आपको? देखिए सबसे बड़ी बात कि आप एक गरीब आदमी से जाके पूछिए कि उसका एक ज़मीन का प्रॉब्लम हो गया, उसका कोई मसला हो गया, DM ऑफिस जाना है, उसको पता नहीं है DM ऑफिस कहाँ है, उसको पता भी नहीं जो कहाँ पे जाना पड़ेगा। यहाँ से बस पकड़ो तो वहाँ पे रायगंज में जाकर उतारा था, जब से उतारा वहाँ पे ऑफिस बंद, लंच टाइम ऐसा हो जाता है तो उन लोगों का काम ही नहीं होता है। तो आप देखिए, जो सबसे बड़ी बात क्या, गरीबों का होना चाहिए काम, जो गरीब का जो है उसका काम ही नहीं होता है। तो अगर काम ही नहीं होता है तो हम कहाँ से आज़ादी है,
सर क्या लगता है जिस डिमांड को लेकर आप पिछले एक डेढ़ साल से पद यात्राएं कर रहे हैं, रैलियां निकाल रहे हैं, इसके अलावा आप जो है बार बार मांगे भी कर रहे हैं, चक्का जाम कर रहे हैं सड़कों पर आकर, क्या लगता है कि ये रंग लाएगी और कितने हद तक इसमें जो है आपको फ़ायदा देखने को मिलेगा इन सब यात्राओं का, इन सब रैलियों का? इंशाल्लाह जो है हम लोग को जो नज़र में आ रहा है कि हम लोग के करने के बाद, धरना देने के बाद, पद यात्रा करने के बाद और भी बहुत सारे चक्का जाम करने के बाद इस्लामपुर में, इस्लामपुर पुलिस डिस्ट्रिक्ट तो हो चुका है, अभी जो है हम लोग का मांग है इस्लामपुर डिस्ट्रिक्ट बनाने का। इंशाल्लाह ये भी हम लोग जब तक नहीं होगा तब तक हम लोग अपना कोशिश करते रहेंगे, और जितना जितना जल्दी, अगर जितना ना हो, अगर ममता सरकार, टीएमसी सरकार ना करे तो हम लोग उनको ये कर देंगे, बाध्यता कर देंगे कि उनको करना ही पड़ेगा, ऐसा हम लोग सिचुएशन डाल देंगे उनके ऊपर, क्योंकि हम लोग को ज़रूरत पड़े तो हम लोग धरना में उतर जाएंगे, ज़रूरत पड़े तो हम लोग चक्का जाम कर देंगे, ज़रूरत पड़े तो यहाँ से हम लोग को नबरना कर चल के जाना पड़ेगा, तो यहाँ से नबरना जाकर चल के जाके उनका ऑफिस में, उनका घर में जाके बोलेंगे हम लोग का ये समस्या है जी। बहुत बहुत शुक्रिया सर।